गांधी जी, वी आर प्राउड ऑफ राहुल गांधी जी। यस यस, वी आर प्राउड ऑफ। क्या बदलाव होने वाला है अगर ये भारत यात्रा को देखें, आपकी क्या मांगे होंगी, क्या लगता है कि देश में क्या बदलना चाहिए? यूथ के लिए जॉब्स, जो आजकल बेरोजगारी है उसका मेन वो, जैसे राहुल गांधी जी ने कल बताया था, हम कल भी लखनपुर गए थे उनका वेलकम करने के लिए, उन्होंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले थे, जैसे कि आजकल इंटरनेशनल न्यूज़ पे क्या चलता है, सिर्फ किसी हीरोइन के बारे में है ना, जो मेन मुद्दे हैं उनके तो बारे में बात होती नहीं है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, तो यही सब इस रैली के बाद क्या बता इसमें कुछ। मोहब्बत की बात करते हैं राहुल गांधी। हाँ जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत कायम होगी होगी बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं वो, कन्याकुमारी टू कश्मीर जा रहे हैं, तो इनकी वजह से मतलब ये बहुत सारी चेंजेस आएंगी, लाइक जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह इसमें भी थोड़ा कम होगा ये, और होप फॉर द बेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट 370 जो हमारा राइट था वो हमसे ले लिया गया, तो बहुत परेशानी हो रही है। हमारा जो स्पेशल राइट था वो हमसे ले लिया गया, तो क्या पता इसके बाद हमें मिल जाए, हो फॉर द बेस्ट। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ की जो मूल समस्या है जिनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट है? बेरोजगारी तो बहुत है, महंगाई बहुत है, वो तो चलो सेंटर का मामला है, वो लोग सुलझाएंगे, बट राहुल गांधी जो इस मुहिम पे निकले हैं भारत जोड़ो, तो अभी देख के लगता है कि भारत जुड़ जाएगा, जो डिविजन्स हो गई हैं अलग अलग जगहों पे, वो भारत जुड़ने के फिराक में है, अभी 10-15 दिन में ये इनकी जो यात्रा है समाप्त हो जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये यात्रा समाप्त हो जाए उसके बाद एक भारत में बदलाव आए। 370 हमारा राइट था जो हमसे छीन गया है, उम्मीद करते हैं वापस आ जाए तभी ये राज्य जुड़ पाएगा, वो हमारा राइट था। बहुत जरूर प्रयास करेंगे, हम कल भी लखनपुर में थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत अच्छे पॉइंट्स अपने पुट किए हैं, और उम्मीद है कि 370 हमें वापस मिलेगा, हम लोग तो यही चाहते हैं, एज ए लोकल यहाँ के जम्मू के हैं हम लोग, हम चाहते हैं 370 वापस मिल जाए। अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही, और जैसे हमें दिखाया गया था कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ, इवन कि हमारे जम्मू की जो कंडीशन है वो डिटोरेट ही हुई है, वैसा कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जितनी पहले थी उससे ज़्यादा ही हुई है, बच्चे प्रोफेशनल डिग्रीज करके हम वापस आते हैं यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, फॉर्म्स निकलते हैं उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, पेपर में बिठाया जाता है फिर वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। थैंक यू।